नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जो चंडीगढ़ म्युनिसिपल काउंसलर बनना चाहता था मगर बन गया मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं लक्की पटियाल उर्फ गौरव पटियाल की। लक्की पटियाल चंडीगढ़ के गांव खुड्डा लाहौरा का रहने वाला है। 2010 में उस पर पहला आपराधिक मामला मोहाली जिले के मुल्लनपुर थाने में दर्ज हुआ था। लक्की पटियाल पर 323 और 324 के तहत केस दर्ज किया गया था। 2011 में जब लक्की पटियाल CGC लांड्रा कॉलेज में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था तो उस दौरान चंडीगढ़ में एक हत्या की वारदात में उसका नाम आ जाता है। आपको बता दें, उस समय लक्की पटियाल पंचकुला के बेला विस्टा होटल में इंटर्नशिप कर रहा था। लक्की पटियाल के लिए वो केस कुछ ज़्यादा बड़े नहीं थे। 2012 का वो दौर भी आ गया जब लांड्रा के कबड्डी प्लेयर सौदागर सिंह के कत्ल में उसका नाम बोलने लगता है। मई 2012 में मोहाली 3B1 फेस अदालत, जैसे ही वो अपनी ब्लेरो गाड़ी में बैठकर पेशी के बाद वापस जाने लगा तो उस पर जैजी गिल और अन्य लोगों ने हमला कर दिया। इसमें लक्की पटियाल भी शामिल था। कहते हैं लक्की पटियाल ने ही सबसे पहले सौदागर की गाड़ी के विंडो शीशे को तोड़ा था। सौदागर के गले और पेट पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया था जिसमें सौदागर की मौत हो जाती है। इस वारदात को अंजाम दिया था जैजी गिल, गुरसिमरन सिंह, रणधीर सिंह, सतनाम सिंह, लक्की पटियाल। अगर स्थानीय लोगों की माने तो कहते हैं उस हत्याकांड में शेरा खुब्बन भी शामिल था। दोस्तों, सौदागर सिंह के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हो तो आप सौदागर पर बना वीडियो देख सकते हो। वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लक्की पटियाल पर इल्ज़ाम था कि उसने सौदागर की गाड़ी के शीशे को तोड़ते समय सौदागर को ललकारा था। इस केस में लक्की को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बेल मिल जाती है। जुलाई 2014 में जब मोहाली के एक सर्विस स्टेशन में गुरजेंट सिंह जेंटा अपनी गाड़ी की सर्विस के लिए आया हुआ था, वो अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर शराब पी रहा था। आपको बता दें, गुरजेंट सिंह जेंटा अकाली दल का वर्कर था। सर्विस स्टेशन के बाहर 10 से 12 लोग वहां पहुंचते हैं। वहां आते ही तेज धार हथियार से जेंटा का कत्ल कर दिया जाता है। उस हत्या में भी लक्की पटियाल का हाथ बताया जाता है। जेंटा को क्यों मारा गया था वो भी हम सौदागर वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। जो जो लोग जेंटा को मारने में शामिल थे उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहीं लक्की पटियाल उस केस में भगोड़ा चल रहा था। लक्की पटियाल सभी केसों में बेल पर बाहर था। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उसका नाम बोलने लगा था। पंजाब यूनिवर्सिटी में उसका अच्छा खासा दबदबा माना जाता था। 2015 का वो दौर जब SOI की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। एक्सपीरियंस्ड युवाओं को SOI पार्टी में शामिल किया जा रहा था। पार्टी के साथ अच्छा खासा युवा जुड़ रखा था। इसका मुख्य कारण ये भी था, पंजाब में उस समय अकाली दल की सरकार थी। 2012 में विक्की मिड्डू खेड़ा अकाली दल की SOI पार्टी में शामिल हो गया था। वहीं दूसरी तरफ PUSU पुसू पार्टी के लिए लक्की पटियाल बढ़ चढ़ कर काम कर रहा था। 2015 में लक्की पटियाल पर प्रेशर बढ़ता जाने लगा था। उस पर पुराने केसों को लेकर कभी भी शिकंजा कसा जा सकता था, जिसको देखते हुए लक्की पटियाल पुसू पार्टी को छोड़ SOI में शामिल हो जाता है। लक्की पटियाल SOI का लीडर बनकर उभरा। इसके बाद चंडीगढ़ मोहाली एरिया में उसका दबदबा माना जाने लगा था। अकाली दल की उसको पूरी सपोर्ट थी। SOI पार्टी के लिए लक्की पटियाल, विक्की मिड्डू खेड़ा और भीम पड़ैच मिलकर काम कर रहे थे। लक्की पटियाल की माने तो उसको विक्की मिड्डू खेड़ा की प्लानिंग के तहत SOI पार्टी में शामिल किया गया था। उस पर इसका प्रेशर बनाया गया था। इससे लक्की पटियाल खुश नहीं था। 2015 में जब सौदागर सिंह केस की सुनवाई हुई तो सौदागर की हत्या में शामिल लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसमें लक्की पटियाल भी शामिल था। लक्की को हाई सिक्योरिटी नाभा जेल भेज दिया जाता है। जेल में रहते हुए उसने MA सोशियोलॉजी करने की कोशिश की। उसका एक सेमेस्टर रह रहा था। पैरोल पर बाहर आने के बाद वो फरार हो जाता है
उसको भगोड़ा घोषित कर दिया गया। उसने अपने लिंक पंजाब के कई दूसरे गैंगस्टर्स के साथ बनाने शुरू कर दिए। 2016 में दविंदर बबीहा के मारे जाने के बाद बबीहा गैंग को चला रहे कम उम्र के लड़के जसप्रीत सिंह, जैम्पी, बंटी ढिल्लो और निशान सिंह के टच में लक्की पटियाल आ जाता है। उसने अपने कई साल दुबई में भी बिताए। दुबई में उसकी मुलाकात कौशल चौधरी से हुई। बताया तो ये भी जाता है कि लक्की पटियाल ने ही पहले पंजाबी सिंगर्स को ब्लैकमेल कर उनसे रंगदारी लेनी शुरू की थी। उसने ही इस धंधे को आगे तक बढ़ाया। दिलप्रीत डाहा, सुखप्रीत बुड्ढा उसी की गैंग के व्यक्ति बताए जाते हैं। परमीश वर्मा पर हमला, मनकीरत ओलख और गिप्पी ग्रेवाल को धमकी देना उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ लक्की पटियाल का हाथ बताया जाता है। नामी कबड्डी प्लेयर नंगल अंबिया को मारने में भी लक्की पटियाल का हाथ बताया जाता है। 2018 और 2019 के आसपास सिरसा हरियाणा में पंजाब पुलिस द्वारा रेड की जाती है, जिसमें बबीहा ग्रुप के निशान सिंह, जसप्रीत सिंह उर्फ जैम्पी डॉन और बंटी ढिल्लो मारे जाते हैं। कुछ साल पहले ही दिलप्रीत डाहा को पंजाब पुलिस की स्पेशल सेल चंडीगढ़ के 43 सेक्टर से गिरफ्तार कर चुकी है। सुखप्रीत बुड्ढा को पंजाब पुलिस भारत लाने में कामयाब रही। कहते हैं पंजाब पुलिस जब आर्मेनिया पहुंची थी तो उस समय वो खुलेआम घूम रहा था, वहीं दूसरी तरफ लक्की पटियाल आर्मेनिया की जेल में बंद था। यही कारण था पुलिस सुखप्रीत बुड्ढा को तो लाने में कामयाब रही, सिवाय लक्की पटियाल के। गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल बराड़ और अगस्त 2021 में विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या करवाने वाला लक्की पटियाल ही है। 2022 में लक्की पटियाल मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लिस्ट में शामिल हो चुका है। पंजाब पुलिस लक्की पटियाल को भारत लाने में जुटी है। बेशक वो आर्मेनिया की जेल में बंद है, मगर भारत के कई राज्यों में उसकी गैंग के लोग एक्टिव हैं और उसके इशारों पर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अगर हमें लक्की पटियाल पर और अपडेट्स मिलती है तो वो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, तो नमस्कार दोस्तों।